अपनी मर्जी से इसको आगे लगा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। मैं इंतजार करूंगा उस फिर तारीख का, जो तारीख आए तैयारी कीजिए, फिर मैदान में खड़े होंगे। बस इस देश में ये पद्मावती अब नहीं चलेगी। लोग कहते हैं कालवी जी आपने पीआर बढ़ा दी इसकी, आपने इसकी पीआर भी बढ़ा दी। कोई 5-25 करोड़ का अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था वो बच गया इस करनी सेना और 36 कौम के इस आंदोलन के कारण। अगर 100 गुना अगर नुकसान नहीं पहुंचाया तो फिर मुझे शर्म महसूस होगी कि मैं राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती का 37वीं पीढ़ी का वंशज हूं। मुझे तो कम से कम इस बात पर मरने लायक स्थिति होगी। और जब पिछले दिनों अभी हमारी महिला मोर्चा के कराची का कनेक्शन अभी फोन आया था, ये जो बच्चा गया इसी के पास में फोन आया था 4 दिन पहले कराची से, और कराची में वहां से जहां पर अपन दाऊद इब्राहिम को ढूंढ रहे हैं उसी एरिया से। मैं नहीं कहता कि किसका फोन था, कालवी जी आपको उड़ा देंगे। अरे ये पता नहीं है कि अगर हम इकट्ठे होकर फूंक मारेंगे तो पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से उड़ा देंगे। अरे मुझे नहीं करना कोई भी संघर्ष, ये संघर्ष तो आप लोगों का है। अगर मेरे कारण होता तो 118 किलो का हूं, 6 फुट 4 इंच का हूं, इस धरती पर बोझ बना घुमरा हूं कई दिन से। पर आज देश ने दिखा दिया कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकार बंधु रोज पूछने हैं 15 दिन से, कालवी जी फिल्म दिखा दे, मैं दिखा रहा है ना। और वो फिल्म दिखाने के लिए 12 नवंबर को पिछले साल जब हम खड़े हुए थे यही आए थे 1 बजे टाइम लेकर बंसाली से, 5 बजे तक टाइम नहीं मिला। 5:15 बजे बंसाली, बोलिए 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 क्या काम है क्या काम है। मैं हाथ जोड़कर विनती है तेरे जच्चे जैसा बना लेना पर राजस्थान की धरती पर मत आना। 27 जनवरी को आ गया और थप्पड़ खा गया, 30 जनवरी को लिखा दिया कि हम करनी सेना को दिखाकर फिर भी इस फिल्म का प्रमोशन और इस फिल्म को लगाएंगे तो फिर हम ये कैसे चलाएंगे। कौन दिखा रहा है फिल्म, कौन देख रहा है फिल्म और किस लिए देखे हम? क्या हम भी इन लोगों की तरह नाचने गाने वाले हैं? किस लिए बार बार ये समझाया जाता है? मैं प्रकाश पादुकोण के साथ में इंडियन टीम में था, वो बैडमिंटन खेलता था मैं बास्केटबॉल, हम दोनों के दोनों इंडियन टीम में कैंप में साथ हुआ करते थे। कल पत्रकार लोगों ने पूछा तो कालवी जी आप बार बार उदाहरण देते हैं, क्या दीपिका आपकी बेटी नहीं है? मैं उनका नालायक है, उसको किसने अधिकार दिया? क्या वो राष्ट्रपति है जो ये हमें कहे कि पिक्चर तो हर सूरत में लग के रहेगी, लगा ले। अब मैं कहना चाहता हूं अगर बंसाली की नाक काटी है तो ये दीपिका पादुकोण ने काटी है। फिर पत्रकार पूछने गया, अरे फिर वो नाक काटने वाला? अरे नहीं, जब बहुत बकवास करी तब लक्ष्मण ने सपूर्णता का नाक काटा था। अगर हम रोज नाक काटे तो अभी तक एक गोदाम भर दिया होता। नहीं चाहते ये काम नहीं है। मैं कभी भी बार बार कहता हूं मत लो अनुशासन की परीक्षा, हम फेल हो गए वो दिन अच्छा नहीं होगा। मत डालो हमारे मुंह में उंगली, मत गिनो हमारे दांत काट डाले के, क्या तरीका है रोज की रोज हम पर उंगली उठाए। लोग कहते हैं कालवी जी आपका मान लिया कि आप उस वंश से आते हैं, पर लोग कहते हैं कि पद्मिनी कहां थी, तो फिर मैं क्या भूत हूं? मैं क्या हूं? मेरे पुष्कर में बैठा है पंडित, उससे पूछ लो। मेरे हरिद्वार में बैठा है पंडित, उससे पूछ लो। पूछ लो उस राव भाटचारण से, मेरी 37 पीढ़ी पहले कौन तो मां थी। मैं बंसाली जी थप्पड़ खाए बैठे थे वहां पर, मैं बंसाली जी आपके पिता का नाम नहीं पूछ रहा, मैं आपकी मां के बारे में जानकारी नहीं चाहता, पर मेरे पिता का नाम राणा रतन सिंह है और मेरी मां का नाम रानी पद्मावती। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए। और पाकिस्तान से धमकी,
क्या कहते हैं बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या चाहते हैं हमसे कि हम फटफटे? और पुरोहित जी को, आर के पुरोहित जी ने, हमारे तो गुरु हैं, वैसे भी ऐसे नहीं कि राजपुरोहित हैं, इसलिए यो तो भगवान राम के जो यहां पर पंडित लोग ड्यूटी में थे उनको राजपुरोहित कहते थे। क्वेश्चन तो पुरोहित जी ये उठा दिया जाएगा कि भगवान राम ही कहां थे, फिर आपको भी गायब करना पड़ेगा। पर इन सब के बीच में एक चीज स्पष्ट है, क्यों है पद्मनी महल, बच्चे लोग चौकीदारी पर बैठे हैं, कि अगर पद्मनी नहीं थी तो फिर ये पद्मनी महल नहीं देखते देंगे। जौहर स्थल पर 50-50 किलोमीटर तक स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं उस मिट्टी की, वो नहीं जाने देंगे। पद्मनी तो है ही नहीं, फिर जौहर कहां हुआ? देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आई थी, देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए थे, अभी मैं सुना रहा था राम कदम जी को कि क्या बोलते हैं वाजपेयी जी कि जौहर की ज्वाला है भगवान, इस देश पर मर मिटने वालों की इज्जत है भगवान, और इसी चीज के लिए 16-16 हजार स्त्रियां सारी जाति बिरादरी की, सारे धर्म की, क्या कहता है दरगाह का दीवान औबुद्दीन कि आज ये राजपूत के साथ हो रहा है, मुकाबला करो, कल मुसलमान के साथ भी इस तरह से होगा। आज ब्राह्मण खून निकालता है जयपुर की धरती पर, 10 हजार खून से लिखे पत्र सेंसर बोर्ड को भेजे जा रहे हैं, क्या ब्राह्मण का खून व्यर्थ जाएगा? क्या पुरोहित की, क्या राजपुरोहित की मेहनत क्या व्यर्थ जाएगी? तिल तिल मर मिटेंगे राजपुरोहित जी, मरे हैं हमारे बुजुर्ग। आज सिर कटाने का नहीं, सिर कटाए से इतिहास रचा था, खून की नदियां बहाई थी, कालिक पोती जारी है उस पर, फिर हम मरने की नहीं, सिर गिराने की बात करने के लिए आए हैं। और आज सौभाग्य से इस आजाद मैदान में उस सांस्कृतिक गुंडों की आजादी के लिए आज हम यहां पर तैयार हैं, तत्पर हैं। किस बात को लेकर? हम नहीं है अनुशासन की। मैं तो अभी गांधीनगर में था, और जो 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान था, बार बार पत्रकार पूछते हैं, मैंने कहा नहीं, ये तो देश को तय करना है, चाहेंगे तो बंद कर देंगे, और नहीं तो मैं आज बंबई से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगली जो भी तारीख आए उसके भारत बंद का ऐलान आज करके जाता हूं इस बंबई की धरती से। उस दिन देश बंद रहेगा, कम से कम और कुछ बने ना बने, पिक्चर हॉल तो उस दिन जाम रहने चाहिए, किसके घर पे लगाएगा? तय कर दिया राजस्थान ने, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म हॉलों के मालिक ने लिख के दिया है करनी सेना को, पिक्चर नहीं लगाएंगे, तो फिर किसके यहां पर लगाएंगे? जब फिल्म हॉल वाला लगाएगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स लाएंगे नहीं, फिल्म लगेगी कहां पर? आज बहुत सौभाग्यशाली है राजपूत समाज, और सभी लोग आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास में गए थे, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया मैं एक जौहर स्थल बनाऊंगा, और मेरे को तो इस जौहर के नाम से इतना डर लगने लग गया कि जो रोज बदलती हो शौहर वो क्या जाने ये जौहर। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात, जोरदार एक बार तालियां बजाओ इस बात पे। राज के पुरोहित भाई, कल सुबह तक यही बैठा रह जाऊंगा, टाइम का मेरे को पता नहीं है, कह रहे हैं कि टाइम इतना ही है, मैं लेट हो गया, आप लोगों से माफी मांग लूंगा, समय की पुकार है, आप लोग माफ कर देंगे, पर अगर समय निकल गया तो समय माफ नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। आज समय की पुकार है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तो ये पद्मावती तो नहीं चलेगी। पत्रकार बंधु का रोज सवाल है, क्या कोई तरीका है कुछ बैठकर बात करने का? क्या आपस में आज बंबई आने से ये खतरा पैदा हो गया, क्यों उससे बंसाली से मिलने जा रहे हैं क्या? मैं थूकता हूं उस आदमी के, मैं मेरी मां का नाम उसके मुंह से नहीं सुनना चाहूंगा, मैंने बहुत स्पष्ट अभिमत दे दिया है, लिखित में दिया है, मेरी मां पद्मावती का नाम लेने का अब तेरे को अधिकार नहीं है, पिक्चर लगे या न लगे
और ये तो तय कर दिया देश ने पिक्चर तो नहीं लगेगी, तो फिर कोई तरीका है? हाँ, मैंने कहा है एक रास्ता, क्या? उस फिल्म को गोल करो और उस जौहर की ज्वाला में डाल दो।